जय हिंद आदाब, मैं हूं शमीम जराजपुरी और आप देख रहे हैं खबरों नज़र चैनल। सबसे तेज़ और ताज़ा समाचार देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब खबर विस्तार से। आज आपने एसपी से शिकायत की है, प्रधानमंत्री को टिप्पणी की गई है, क्या है पूरा मामला? देखिए, देश के सचिव प्रधानमंत्री जी के फोटो को लगा करके 15 अगस्त का उस पर स्लोगन लिख करके देश का जब अमृत महोत्सव चल रहा है उस समय निजामबाद के फरिया गांव के रहने वाला एक व्यक्ति है जो लगातार पूर्व में भी कई अभद्र टिप्पणी कर चुका और देश के प्रधानमंत्री जी को इस तरीके से लिखा है कि वो मैं आप लोगों के मीडिया के सामने बोल भी नहीं सकता कि वो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को इस तरीके से अभद्र टिप्पणी करें। तो हम लोगों ने कप्तान महोदय से कहा है कि इस तरीके से अभद्र टिप्पणी करने वाला खुलेआम घूम रहा है तो उसका मनोबल बढ़ रहा है, तत्काल उस पर कार्रवाई किया जाए और ऐसे अराजक तत्वों को देशद्रोह जैसा मुकदमा दर्ज करके तत्काल जेल डाला जाए ताकि दूसरा कोई एक्शन न कर सके। आज उसी का आश्वासन दिया है कप्तान साहब ने कि हम लोग तत्काल इस पर एक्शन लेते हैं, कार्रवाई करेंगे। तिरंगा झंडा भी उस दिन उल्टा करके जो है फोटो तो खिंचवाया गया था, क्या है? वो सब वही का मामला है, वहाँ पे दो चार ऐसे अराजक तत्व तो देखिए फरिया आपने देखा होगा पूर्व में आतंक की नर्सरी रही, कुछ लोग वहाँ से आतंकवादी निकले हैं, तो मानसिकता वही। और मैं कहने में गुरेज नहीं करता कि अगर ऐसा कृत्य करने वाला कोई देशभक्त हो ही नहीं सकता, कहीं ना कहीं वो राष्ट्रद्रोह के मुकदमे में आना चाहिए। इसीलिए हम लोगों ने कप्तान महोदय से कहा है कि ऐसे लोगों को तत्काल कार्रवाई की। उसके पास कोटे की दुकान भी सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान? अब ये हमको पता नहीं है, ये सब हमको जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे ये जानकारी है कि ये लगातार देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहता है। इसलिए मैंने कप्तान महोदय को दिया है कि अगर ऐसी करने वाला खुलेआम घूमेगा तो ये हम लोगों के लिए जलालत है। इस देश में रहने के नाते हम यही चाहते हैं कि जो देश भक्त नहीं है वो देश में उसे रहने का अधिकार मिले। ताज़ा और तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। खबर और विज्ञापन के लिए संपर्क करें।